हमारे जंगल पे आ चुके हैं। आ रहा हूँ। तो आज हम हैं किसी चीज़ की सर्च में, अगर वो मिलता है तो हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थोड़ा धूप से थोड़ा सा वो करिए क्योंकि सूरज जो है पीछे ही है इसकी वजह से। और आज हम बताएंगे भी कि एज अ फॉरेस्ट गार्ड आपका क्या काम है जंगल के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। जंगल की ज़मीन भी कीचड़ से भर चुकी है, सभी तरफ पानी ही पानी होने की वजह से, और हरियाली और डेंस भी बहुत हो गया है। सभी नालों में पानी भर चुका है और देख सकते हैं आपके नाला भर चुके हैं, नाले और कीचड़ से सब कुछ बना हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले थे वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, शायद हो जाए क्योंकि इलाका भी उन्हीं का है। तो किस्मत अच्छी रही तो हमें एविडेंसेस मिल जाएंगे। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये, 0.7 से ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग करना काफ़ी रिस्की और डिफ़िकल्ट होता है, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ता है आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ वगैरह तो नहीं हो रही। और ये हमारा रेगुलर का ही काम है तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एज वी कैन। जंगल में भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत दृश्य हैं, और ये नाला कितना प्यारा और शांति से बहता हुआ, रियली ब्यूटीफुल। बट अभी इस मौसम में समस्या ये है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, 10 मीटर से आगे आप वहाँ जंगल में कुछ देख नहीं सकते। ऐसे में कोई जानवर छुपा हो सकता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, परंतु फुट पेट्रोलिंग करने से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं और वो हमको करनी पड़ती। तो सभी जगह पर देख सकते हैं पानी बह रहा है आराम से, और काफ़ी अच्छा जंगल है हमारा। तो इस समय हम आ चुके हैं हमारे रूम में, और अच्छा दिन रहा। एक बहुत लंबे चौड़े एरिया को हम लोगों ने आज कवर किया। यहाँ तक अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर से सर्च करके आप फॉलो भी कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ इन वाइल्ड।